लगातार खबरों के लिए बेल आइकन दबाइए। हमारे साथ जुड़े रहने के लिए न्यूज 29 इंडिया को सब्सक्राइब करें। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का न्यूज 29 इंडिया में। मैं हूं आपके साथ प्रिया शर्मा। इंदौर के आजाद नगर थाना क्षेत्र के विराट नगर में रहने वाले अजय पिता लल्लू प्रसाद यादव पर बदमाशों ने चाकू से हमला कर दिया। अजय अपने घर जा रहा था, इसी दौरान पेट में चाकू मारकर उससे करीब 1.5 लाख रुपया, सोने की चेन और ब्रेसलेट लेकर फरार हो गए। इंदौर के विराट नगर में रहने वाले अजय पिता लल्लू प्रसाद यादव ने बताया कि बीती रात वह पिपलियाना वर्ल्ड कप चौराहा स्थित अंजलि नर्सरी से अपनी कार से घर जा रहा था। इसी दौरान रास्ते में वर्षा किराना के पास बबलू तवर और उसके अन्य दो साथी खड़े हुए थे। तीनों ने अजय का रास्ता रोका और गाली गलौज करने लगे। जैसे ही अजय गाड़ी से उतरा, बदमाशों ने उसके पेट में चाकू मार दिया और गाड़ी में रखे करीब 1,47,000 रुपए, सोने की चेन और हाथ का ब्रेसलेट निकालकर फरार हो गए। चाकूबाजी के बाद मौके पर हंगामा मच गया और आसपास के लोगों ने अजय के बड़े भाई विजय यादव को फोन पर सूचना दी। घायल अजय को तुरंत एप्पल हॉस्पिटल लेकर पहुंचाया गया, जहां से उसे यूरेका हॉस्पिटल पहुंचा दिया है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज 29 इंडिया। मैं इधर से जा रहा था तो रास्ते में उन्हें रोका, बोले मेरे साथ गाली गलौज। मैंने बोला मैं तो जानता भी नहीं तुम्हारी औरत को, तो गाली गलौज। इतने में उन्होंने क्या चाकू निकाला, मेरे को यहाँ पर मारा पहले कंधे तरफ, तो मैंने हाथ से पकड़ लिया। इतने में मैं गाड़ी खड़ी करके आया, उनका एक भाई और था साथ में, लेकिन दो लोग और थे, मैं पहचानता तो था नहीं। इनको पहचानता था बबलू तंवर को। इनने क्या है कि चाकू मारा, तो एक चाकू मेरे यहाँ सीने के नीचे लगा, छाती के नीचे दो मारा था, तो एक तो यहाँ पर, फिर उसको रोक लिया था मैंने हाथ में। ब्रेसलेट था मेरा वो भी छीन लिया इनने, गले में चैन थी वो भी छीन लिया। पैसे थे मेरे पास कैसे 1,47,000 रुपये, तो वो भी उनने छीन लिया। उसके बाद मैं खून से लथपथ हो गया था। इतने मैंने आवाज़ लगाया, मेरे काका का लड़का था नीलेश, वो दौड़ के आया, फिर भैया को बुला के ला गया, फिर मेरे को सीधा मैं बेहोश हो गया था, फिर अस्पताल लेकर गया, फिर वहाँ पर मेरे को 1.5 घंटे बाद होश आया। बने रहिए न्यूज 29 इंडिया के साथ, एक देश सारे प्रदेश।